हेलो दोस्तों, यात्री बिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले 200 ग्राम पनीर जो मैंने धोके काट के रखी है, एक बड़ा गाजर जो मैंने धोके काटा है, शिमला मिर्ची एक बड़ी, हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक, शक्कर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने बनाया है जिसमें मैंने शाहजीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी और थोड़े काली मिर्ची मिलाकर पीसी हुई है और थोड़े से मनुके, तेल और सब्जी बनाने के लिए लगने वाला पानी और मसाले के लिए लगने वाले काजू, मैंने 10 से 12 काजू ले लिए हैं, 5-6 लहसुन की कलियां ली है, 1 इंच अदरक लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है और एक बड़ा टमाटर लिया है, काट के रखा है। हम मसाला बना लेंगे, हम इसे अभी बारीक कर लेंगे। हमने टमाटर, काजू, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन को हम बारीक पीस लेंगे। तो हमने ये मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम लगाएंगे। हमने पैन रख दिया है गैस पे और हमने गैस की फ्लेम लगा दी है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें ये तेज पत्ते डाल देंगे ताकि ये शाही पनीर का जो फ्लेवर है वो खिल जाएगा। अब ये तेल गरम हो गया है दोस्तों, अब हम इसमें ये जो हमने पीसा है मसाला वो मसाला डाल देंगे। तो हमने मसाला इसमें डाल दिया है और ये पक रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं और थोड़ी सी हल्दी डालते हैं और 1/2 चम्मच लाल तीखा डालते हैं। आप सबको पता है शाही पनीर का जो कलर होता है वो एकदम लाल नहीं होता, इसलिए हम 1/2 चम्मच लाल तीखा डाल रहे हैं और वैसे भी हमने मसाले में 2 हरी मिर्ची पीस ली है। अब हम इसे चलाते हैं और फ्लेम लो करके हम इसे पकाते हैं। ये देखिए अब ये मसाला पक रहा है, ये साइड से तेल छोड़ रहा है और इसका रंग भी भूरा आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और हम इसे चलाते हैं। अब ये मसाला पक गया है, अब हम इसमें ये कटी हुई गाजर डालते हैं और ये कटा हुआ शिमला मिर्च डालते हैं और हम इसे चलाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और हम इसे ढक के कुछ देर पकाने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं ये पका है या नहीं। देखो ये पकने आ गया है। अब हम इसमें ये पनीर डाल देते हैं जो हमने धोके काट के रखे थे, हम वो पनीर इसमें डाल देते हैं। और हम अच्छे से इसे चलाते हैं और इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। जो गाजर है उसे पकने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और फिर से हम इसे ढक के कुछ देर के लिए रख देते हैं। अब हम देखते हैं ये पका है या नहीं। अरे वाह दोस्तों, अब ये पक के तैयार है। गाजर भी पक गई है और शिमला मिर्ची भी पक गई है। अब हम इसमें डालते हैं
थोड़ा सा गरम मसाला, और अब हम डालते हैं इसमें 2 चम्मच दही, ताजा दही। आधा चम्मच शक्कर और थोड़े से मनुके, और हम इसे अच्छे से चलाते हैं, और हम इसे हरे धनिया से गार्निश करते हैं। ये बन चुका है। अब फाइनली हम इसमें 1 चम्मच बटर डालते हैं। अब ये शाही पनीर सर्व करने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं, सर्व करने के लिए निकाल देते हैं।